राजनीतिक में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। पहला प्रयोग उन्होंने किया ऐतिहासिक कि गांधी मैदान में नौकरी बांटने का काम किया। ये काम बहुत सारे गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये तो सही हकदार थे। तो इस लिहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना, उनकी सराहना करना हम लोग का नैतिक दायित्व। विकास और तमाम सारी बातों को जैसा कि आपने गिनाया, दोनों की विचारधारा मैच करती हुई नजर आ रही है। क्या नजदीकियां अब बढ़ रही हैं? सरगर्मी बिहार की बढ़ रही है। भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है, अभी तक तो हम लोग जो सच पूछिए तो हम लोग आप ही के माध्यम से, विभिन्न जो चैनल हैं उनके माध्यम से हम लोग नज़दीकी देख रहे हैं। अब आप ही लोग आगे बढ़ कर के इतना दिखा रहे हैं, अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त पर पता चलेगा। रोहिणी जी ही न जानेंगे कि वो ट्वीट किस उद्देश्य से की, और फिर ट्वीट करने के बाद फिर उसको डिलीट क्यों कर दी। और फिर सोशल मीडिया पर तो हम लोग देखते हैं कि सुबह से शाम तक लोग शेर व शायरी, कविता, आध्यात्मिक चीज़ को भेजते रहते हैं। अब इसको हम लोग किस रूप में ले और क्यों अपने ऊपर ले, ये तो किसी के नाम से भेजा हुआ चिट्ठी तो है नहीं जो उनको जाके मिलेगा और वो पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे पक्ष में या विपक्ष में है। इसलिए हम लोग, और कोई ऐसा बिहार के अंदर में माहौल नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के खास करके किसी के विरुद्ध सोचते नहीं हैं, बस अपना जो जिम्मेवारी है बिहार को सजाने का, बसाने का, आगे ले जाने का वो करते हैं। उसके अलावा उनके ट्वीट का हम लोग जो है बेवजह किसी तरह का अपने ऊपर लेकर के और हम लोग इसको तूल देने के पक्ष में नहीं। लेकिन कल जिस तरह से नीतीश जी ने परिवारवाद को लेकर के हमला बोला, कहा कि हमने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया लेकिन कर्पूरी जी के, ठाकुर जी के परिवार को मैंने बढ़ाया है, बहुत सारी बातें करी, ये परिवारवाद को लेकर के भी बहुत ज़्यादा। उस संदर्भ को भी आपको समझना होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कल 100 जयंती था, और उसमें मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट था कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीते जी कभी भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में प्रवेश नहीं करने दिया।